तो देखो डब्ल्यू डब्ल्यू का सऊदी अरेबिया का शो तो खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे रोमन रीन्स को लेकर एक बात आ रही थी सामने ना कि रोमन काफी जल्दी रिटर्न करेंगे, लेकिन अब उनका क्या स्टेटस है सऊदी अरेबिया शो के बाद, कुछ अपडेट्स आई हैं सामने उसको लेके कि रैंडी ऑर्टन इंजर हुए, गंथर की कॉन्ट्रोवर्शियल एंडिंग और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वीडियो के अंदर तुम्हारे बहुत सारे जैसे मैंने कहा न्यूज़ एंड अपडेट जानने के लिए मिलेंगे, लेकिन वीडियो को पहले मैं शुरू टांगा लुआ के साथ में करने वाला हूं, बिकॉज टांगा जो है हमारे नहीं दिखाई दिए बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट में, वो तो चलो कोई भी ब्लड लाइन का मेंबर नहीं था, लेकिन फ्रांस के बाद ना डब्ल्यू डब्ल्यू के दूसरे प्रीमियम लाइव इवेंट के अलावा जो स्मैकडाउन का शो हुआ था वहां भी पार्ट नहीं बने, यानी कि वो सऊदी अरेबिया ट्रैवल ही नहीं कर पाए। तो इसको लेकर एक अपडेट है ये सामने, बताया जा रहा है कि पॉल हेमन ने ये बताया बेसिकली कि ट्रैवल इशू है और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है टांगा लुआ का वो कहीं ना कहीं बीच में थोड़े पंगे डाल रहा है, दैट्स व्हाई उनका ट्रैवल नहीं हो पाया सऊदी अरेबिया के लिए। और इसलिए जो टामा वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में स्मैकडाउन में मैच हुआ था वहां पे सिर्फ सोलो थे और उनके साथ में टांगा लुआ नहीं थे, तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है एंड दैट्स सऊदी अरेबिया के अंदर उन्हें ट्रैवल करने के लिए नहीं मिला और एक ब्लड लाइन मेंबर वहां से एब्सेंट था। बात हम लोग करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में और गंथर की कंट्रोवर्शियल एंडिंग के बारे में। पहले देखो हुआ क्या कि मैच अच्छा खासा था रैंडी ऑर्टन एंड गंथर का, लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर कुछ रोल अप वोल अप होते हैं और रैंडी ऑर्टन का ध्यान से देखोगे तो एक जो लेफ्ट वाला शोल्डर था वो ऊपर ही रहता है, लेकिन तब भी रेफ काउंट कर देते हैं, मैच खत्म हो जाता है। अब यहां फैंस तो कह रहे थे भैया गंथर मान लिया चलो जीत गए अच्छी बात है, लेकिन रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यू डब्ल्यू ने ड्रॉप कर दिया, सीधा सीधा शोल्डर ऊपर थे, तो फाइनली ट्रिपल एच ने इस कंट्रोवर्सी को खुद ब खुद एड्रेस की है और ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि डब्ल्यू डब्ल्यू नजरअंदाज नहीं कर रही है बहुत चीज को या फिर जो भी सीन हुआ था। यहां पर ट्रिपल एच ने ना कुछ बड़ी बात रिवील की है। पहले ट्रिपल एच कहते किस तरीके से उस टाइम लाइव वो चीजें नहीं देख पाए कि भाई गंथर ने ऐसे पिन किया, रैंडी ऑर्टन का शोल्डर ऊपर था, जो भी उसका रीजन था, लेकिन वापस जब उन्होंने गए तो उन्होंने वो देखा जो कि फैंस देख रहे हैं और वो ये था कि रैंडी ऑर्टन का शोल्डर ऊपर था और जो मैच की एंडिंग है वो एकदम क्लीन वे में नहीं हुई है। लेकिन ट्रिपल एच कहते पहली बात ये जो रेफरी का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है, गंथर ही आपके किंग ऑफ द रिंग बने रहेंगे, उन्हें टाइटल शॉट मिलने वाला है। लेकिन बात रही रैंडी ऑर्टन के बारे में तो रैंडी ऑर्टन करेंटली बैंक्ड अप है, उनकी नी उनकी पीठ वगैरह सब चीज में एकदम पूरे धज्जियां उसकी उड़ चुकी हैं, दैट्स व्हाई जो ऑर्टन है वो अभी फिलहाल तो गंथर का फिर से फेस नहीं करेगा, लेकिन गंथर भी वो कैसे सुपरस्टार है ना जो कि चाहेगा कि भाई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है तो रैंडी ऑर्टन को एक बार फिर से क्लीन वे में हरा दे और वो अपने आप को दिखाए कि क्यों वो किंग ऑफ द रिंग है। तो जैसे ही रैंडी ऑर्टन ने बैंक्ड अप वाली थोड़ी सिचुएशन से हटेंगे, ट्रिपल एच का कहना ये कि अगर ये दोनों रेडी हैं या फिर अगर रैंडी ऑर्टन रेडी हैं तो गंथर तो ऑफकोर्स रेडी होंगे ही और इन दोनों का मैच होगा डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर, तो कि ये बात यू नो फाइनली डिसाइड हो पाए कि जो गंथर जीते हैं या फिर जो गंथर की विक्ट्री है वो एक वेल डिजर्व्ड विक्ट्री है। तो इस वाली पूरी चीज से हमें दो बातें पता लगी, वो ये कि शायद रैंडी ऑर्टन कुछ हफ्ते के लिए टेलीविजन से गायब हो सकते हैं, जैसा कहा ट्रिपल एच ने बैंक्ड अप है तो मे बी हो सकता है कि आने वाला स्मैकडाउन वो मिस कर दें या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू उन्हें फिजिकल एक्शन में इन्वॉल्व ना करें, बिकॉज तुम देखोगे तो रैंडी ऑर्टन आजकल मैचेस में टेंशन में डाल देते हैं कहीं वो बंदा इंजर तो नहीं है, चाहे वो इंजरी सेलिंग क्यों ना कर रहे हो। इसके अलावा गंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का रीमैच जरूर होगा, यहां पर ये बात कंफर्म की ट्रिपल एच ने कि जब भी दोनों सही हो जाते हैं या फिर रैंडी ऑर्टन सही हो जाते हैं तो इन दोनों के बीच में रीमैच होने वाला है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो इंजरी वाला या फिर इंजरी कह रहा हूं सॉरी ये जो एंगल है ना रोल अप वाला, तो ये चीजें आने वाले टाइम में लीड करेंगी कि रैंडी ऑर्टन को भी एक टाइटल शॉट मिलने वाला है। देखो क्या होता है, अब तुम लोग चाहोगे क्या गंथर और रैंडी ऑर्टन का रीमैच हो, अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और तुम्हें कैसा लगा जब ट्रिपल एच ने फाइनली इस कंट्रोवर्सी को खुद ब खुद एड्रेस की है। बात हम लोग हमारे ब्रॉक लेसनर के बारे में कर लेते हैं। लेसनर रेयरली डब्ल्यू डब्ल्यू टेलीविजन के ऊपर मेंशन किए जाते हैं, लेकिन जब भी उनका मेंशन होता है ना फैंस के दिल को राहत आती है कि भैया चलो अच्छी बात है कि डब्ल्यू डब्ल्यू ब्रॉक को मेंशन तो कर रही है। अभी मेंशन हुआ था हमारे और किसी के थ्रू नहीं बल्कि माइकल कोल के थ्रू। माइकल कोल ये जो पूरी चीजें हैं ना वो तब मेंशन करते हुए नजर आए बेसिकली जब वो बात करते हैं कि जो विनर है गंथर और रैंडी ऑर्टन के मैच का उसे एक वर्ल्ड टाइटल शॉट मिलेगा, और ये लास्ट टाइम तब हुआ था जब ब्रॉक लेसनर जीते थे किंग ऑफ द रिंग को और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी वर्ल्ड टाइटल के लिए समर स्लैम शो के अंदर। तब से लेके अब तक ऐसा कोई सुपरस्टार था नहीं जिसे किंग ऑफ द रिंग जीता उसे टाइटल शॉट मिला हो, लेकिन ब्रॉक के बाद अब अगले सुपरस्टार वो गंथर बन चुके हैं। तो ये कुछ ब्रॉक का एकदम क्लियर टीवी के ऊपर रेफरेंस होता है, नाम लिया जाता है ब्रॉक का, जो कि फैंस के लिए अच्छी न्यूज है एंड आई रियली होप कि बीस्टी बॉय हमारे जल्दी वापस आ जाए। बात हम लोग करते हैं डेमियन प्रीस्ट के बारे में। एक सिर्फ बॉच गंथर वाला नहीं हुआ है बल्कि कुछ और बॉचेस भी हुए हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारे ड्रू मैकिंटायर को मेडिकली क्लियर अनाउंस कर दिया गया है। क्लैश एट द कैसल के अंदर डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इसके बीच में क्या हुआ है कि ड्रू मैकिंटायर ने पहले ट्रोल किया है हमारे डेमियन प्रीस्ट को, उन्होंने एक जॉन सीना की पुरानी वाली फोटो डाली है जहां पर सीना चैंपियनशिप लेके एंटर हो रहे थे, तो यहां पर उन्होंने लिखा कि डेमियन प्रीस्ट भी ग्लासगो के अंदर क्लैश एट द कैसल के अंदर ऐसी एंट्री लेंगे, लेकिन
लेकिन उनके पास जॉन सीना वाला ऑरा नहीं होने वाला है। तो एक तो ये ड्रू मैकइंटायर अपना रोस्ट मोड जो है वो हमेशा 24 घंटे ऑन रखते हैं। बात रही बॉज के बारे में, तो जो WWE वालों ने ग्राफिक रिवील किया है तो उसमें जो डेमियन प्रीस्ट के पास चैंपियनशिप है, तुम लोग ध्यान से देखोगे वो जो चैंपियनशिप है उसकी जो साइड प्लेट्स है वो सेथ रॉलिंस की ही है। तो ये मुझे हल्का सा अजीब लगा कि WWE वाले जो रेंडर हैं वो ऐसी डाल रहे हैं जहाँ पर सेथ रॉलिंस की साइड प्लेट है, चैंपियन है डेमियन प्रीस्ट, लेकिन इसका मतलब कुछ चलो है नहीं, बिकॉज हमारे ड्रू मैकइंटायर डेमियन प्रीस्ट का सेल आमना सामना होगा क्लैश एट द कैसल 2024 के अंदर। तुम्हारे हिसाब से मैकइंटायर न्यू चैंपियन बनेंगे या फिर से CM Punk बीच में अड़ाएंगे टांग? अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगली स्टोरी सऊदी अरेबिया के इसके अगले शो के बारे में जुड़ी है, बिकॉज ये एक शो खत्म हुआ है। हम लोग जानते हैं WWE सऊदी अरेबिया के अंदर हर साल दो शो करवाती है, तो बात करें दूसरे शो के बारे में तो यहाँ पर दूसरे शो की भी जो अनाउंसमेंट है वो WWE ने इसमें कर दिया, बिकॉज 2 नवंबर के अंदर रियाद सऊदी अरेबिया सैटरडे वो दिन है जब WWE जाएगी अपने क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो ये लोग क्राउन ज्वेल ऑलरेडी WWE वालों ने अनाउंस कर दिया और इस तरीके से 2nd सऊदी अरेबिया का शो होगा इस साल। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर तुम लोगों को याद होगा कि पूरे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग से पहले एक अपडेट आई थी सामने कि रोमन रेंस की जो शूटिंग वोटिंग है वो काफी जल्दी रैप अप हो रही है, एंड जो हमारे ट्राइबल चीफ है ना वो काफी जल्दी कम बैक कर सकते हैं WWE के अंदर, एंड इवन वो तुम्हारी सोच से भी पहले हो सकता है। लेकिन फाइनली रिंग साइड न्यूज की तरफ से क्लेरिफिकेशन अपडेट आई है सामने। रिंग साइड न्यूज ने यहाँ पर यह कहा कि भाई उन्होंने पता किया और उन्हें इन र्यूमर्स के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं लग रही कि जो रोमन रेंस है वो काफी जल्दी कम बैक करेंगे, एंड इवन उन्होंने ऐसी कोई बातें भी नहीं सुनी कि इमिनेंट रिटर्न होगी रोमन रेंस की WWE कंपनी के अंदर। तो फिलहाल ये कुछ मिक्स्ड सोर्सेज आ रहे हैं सामने। एक सोर्स ये कह रहा है कि रोमन वापस आ रहे हैं, दूसरा सोर्स ये कह रहा है कि रोमन के रिटर्न को लेकर कोई बात ही नहीं चल रही है। तो देखो मेरे हिसाब से क्लैश एट द कैसल में तो रोमन नहीं दिखाई देंगे, मैं समर स्लैम से पता नहीं क्यों लेकिन अच्छी खासी उम्मीद लगा के बैठा हूं कि वहां ट्राइबल चीफ कम बैक करने वाले हैं। लेकिन ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट अपडेट आई है सामने, एक थोड़ी बुरी खबर आई है सामने रोमन रेंस के फैंस के लिए। अब सोर्स ज़ायरो न्यूज़ का सही है या फिर रिंग साइड न्यूज़ का ये तो बात की बात है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से रोमन रेंस कब कम बैक करेंगे? मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ समर स्लैम 2024 को। बिसाइड्स ये जो सारी रिपोर्ट है तुम लोग बताना तुम्हारे हिसाब से कौन सी लोकेशन, कौन सी वो जगह होगी जहाँ ट्राइबल चीफ फिर से करेंगे कम बैक। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।